बजट एक ऐसे टाइम पर आया है जब 5 स्टेट्स में और इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसमें यूपी और पंजाब दो ऐसे मेजर स्टेट्स हैं जो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड हैं। तो सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड बजट होगा, एक रूरल ओरिएंटेड बजट होगा वोटर्स को लुभाने के लिए। लेकिन सभी की एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट ऑल द पॉलिटिकल बेनिफिट्स वर केप्ट असाइड एंड इट वाज ए ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वॉचिंग ऑप्शन सेलर्स। और आज हम बात करेंगे कि इस बजट के पॉजिटिव्स क्या हैं और इसके नेगेटिव क्या हैं, आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव टेक अवे जो मुझे लगा वो था स्टेटस को ऑन टैक्सेशन। टैक्सेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया, जैसा पहले था वैसा ही रखा गया है, और ये कोई बैड न्यूज नहीं थी। एंड नो बैड न्यूज इज ए गुड न्यूज इन स्टॉक मार्केट, सो मार्केट रिएक्टेड पॉजिटिवली टू दिस। अनदर टेक अवे इज कि जो की सेक्टर्स हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ, लॉजिस्टिक, एग्रीकल्चर, इनमें डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करने का और इनिशिएटिव लाइक डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, हेल्थ रजिस्ट्री, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री, दिस इज अ बिग पॉजिटिव। देखिए, डिजिटल को एक वे ऑफ लाइफ, एक वे ऑफ गवर्नेंस के रूप में अडोप्ट करने में हम ऑलरेडी 10-12 साल पीछे हैं, लेकिन शायद अब और डिले नहीं किया जाएगा और ये जो प्रपोजल्स आए हैं इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बजट में ये माना गया है कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग सेक्टर जो है ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। डिजिटल करेंसी लाना, RBI अपने खुद का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड और एक डिजिटल रुपीज इशू करेगा। वही वर्चुअल जो डिजिटल एसेट्स हैं जैसे क्रिप्टो करेंसीज हो गए, NFTs हो गए, उनको लेजिटिमेट एसेट मानना, इट शोज कि हमारी जो सरकारें हैं उनका माइंडसेट अब कैसे बदला है। सो ये कुछ पॉजिटिव टेक अवेज थे। नाउ लेट्स मूव टू द नेगेटिव। सो द की नेगेटिव इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑन बोनस ट्रिपिंग। बोनस ट्रिपिंग क्या होता है? बोनस ट्रिपिंग बेसिकली एक सिचुएशन होती है जहां पे आप शेयर्स को या म्यूचुअल फंड्स को इस तरीके से बाय या सेल करते हैं कि आपको एक शॉर्ट टर्म और कैपिटल लॉस होता है, जिसे आप कैपिटल गेन के अगेंस्ट और एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा नेगेटिव ये है कि बजट में जो FY23 का BE कैपेक्स है, BE मतलब बजट एस्टीमेट, उसको कंपेयर किया गया है FY22 के BE कैपेक्स के साथ, जबकि उसको किया किसके साथ जाना चाहिए था, FY23 के BE कैपेक्स को FY22 के RE कैपेक्स के साथ कंपेयर किया जाना चाहिए था। RE कैपेक्स, RE मतलब रिवाइज्ड एस्टीमेट। सो FY23 का जो BE कैपेक्स है, बजट एस्टीमेट है, उसको FY22 के रिवाइज्ड एस्टीमेट के साथ कंपेयर किया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पे बजट में FY23 के BE कैपेक्स को FY22 के BE कैपेक्स के साथ और कंपेयर किया गया है। सो ये कुछ बातें हैं जो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकती हैं। बाकी अगर आप मुझसे पूछे तो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड बजट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।